फोन मिल जाता है या जिनको अगर सजा भी मिलती है जेल के अंदर भेजा जाता है तो दिल्ली सरकार के वकील उनको अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं। दिल्ली के दंगों के अपराधियों को हमने देखा है किस प्रकार से दिल्ली सरकार के वकीलों की उदासीनता के कारण से, ऐसे ही इस केस में भी दिल्ली सरकार के वकीलों की उदासीनता के कारण से इस गंभीर अपराध के अपराधियों को जमानत मिल गई। हम यहाँ कहने आए हैं दिल्ली सरकार को कि ये जो अप्रत्यक्ष समर्थन जिहादियों को आपके द्वारा दिया जा रहा है, ये दिल्ली में हम इसको नल्ला करेंगे, एक्सपोज करेंगे, हम ये दिल्ली में नहीं चलने देंगे। हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करने के लिए यहाँ आए हैं। हमारी तीन मांगे हैं केंद्र की सरकार से। पहला, जिन इलाकों का मैंने अभी नाम लिया है, दिल्ली के इन थानों के अंदर परमानेंट सुरक्षा बल की एक अतिरिक्त टुकड़ी वहां मुहैया कराई जाए, क्योंकि इन थानों में मैंने सभी थाना अध्यक्षों से, वहां के डीसीपी से बात की है, उनका स्पष्ट कहना है भाई साहब जिस प्रकार के संवेदनशील क्षेत्र ये बन गए हैं, लेकिन उस प्रकार की हमारे पास स्टाफ नहीं है, पुलिस नहीं है। ऐसी जगहों पर जहां डार्क स्पॉट्स दिल्ली में चिन्हित हो रहे हैं, वहां जो परमानेंट सुरक्षा चौकियां बनाई जानी चाहिए, उसके लिए दिल्ली पुलिस के पास पर्याप्त तो स्टाफ नहीं है। मेरा केंद्र की सरकार से मांग है कि दिल्ली पुलिस को स्थायी कुछ सुरक्षा बल की टुकड़ियां अतिरिक्त मुहैया कराई जाए। मेरी केंद्र सरकार से दूसरी मांग है कि दिल्ली की सरकार के जो वकील, सरकारी वकील, क्योंकि हम सब जानते हैं जब कोई गंभीर अपराध होता है, जब कोई हत्या का अपराध होता है, तो उसके अंदर सरकार मुकदमा लड़ती है। जो मृतक है उसकी तरफ से, जो पीड़ित है उसकी तरफ से सरकार मुकदमा लड़ती है, लेकिन जो मुकदमा लड़ने वाली सरकार है, यदि वही जिहादियों के साथ होगी तो सरकार कैसा मुकदमा लड़ेगी और कैसा न्याय होगा? मेरी केंद्र के सरकार से अपील है कि दिल्ली पुलिस को अपने सरकारी वकील नियुक्त करने की अनुमति दी जाए। मेरी तीसरी मांग है केंद्र की सरकार से, अभी हमें देखने में आ रहा है दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में नाबालिग जिहादियों को आगे करके अपराध किया जा रहा है। मेरी केंद्र की सरकार से मांग है कि दिल्ली का जो बाल अपराध कानून है उसमें संशोधन करके जो ये बाल अपराधी है इनकी कानूनी आयु ये घटा करके 12 वर्ष की जाए, और जो गंभीर अपराध के दोषी है ऐसे लोगों को, चाहे वो बाल अपराधी हो, तो उनको किसने अपराधी बनाया उनके बारे में जांच करके उनको हमको जेल के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर के दिल्ली का ये जिहाद खत्म होगा। मैं यहाँ जितने भी अपने बजरंग दल के साथी आए हैं, जो माताएं बहने आई है, यहाँ रिंकू शर्मा जी का परिवार यहाँ आया है, मैं इन सबको एक प्रकार से साधुवाद देना चाहता हूँ कि गंभीर अपराध जो दिल्ली के अंदर हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। मैं अपने मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे निमंत्रण पर वो यहाँ आए, उन्होंने इस आवाज को जन जन तक। हो गई अपनी पर्वत की निकलनी चाहिए, आज इस मामले से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे चिन्हे में सही, तेरे चिन्हे ही सही, वो कहीं भी आग पर ये आग लगनी चाहिए, वो कहीं भी आग ये आग लगनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सब यहाँ आए, मीडिया वाले हैं, आप सबका हम धन्यवाद करते हैं। मैं आपके संज्ञान में एक चीज और लाना चाहती हूँ, ये मेरे पास एक ऑर्डर का ऑर्डर बुक का वो है जो अमेजोन में एक ऑर्डर किया जाता है जिसमें एड्रेस दिया जाता है पाकिस्तानी गली मंगोलपुरी। मतलब डिलीवरियों के हौसले देखिए कितने हो चुके हैं कि आप अमेजोन पे ऑर्डर कर रहे हो पाकिस्तानी गली के नाम से, और उसके बाद ही ऑर्डर यहाँ पहुँचता नहीं है। इसकी हम कंप्लेंट, हमने इसकी कंप्लेंट भी दी है, पर इसकी क्या मतलब, हौसले देखिए कि आप हिंदुस्तान में रह के और आप छोटी छोटी गलियों को पाकिस्तानी गलियों के नाम से ऑर्डर भी बुक करना शुरू कर दिया है, क्या इस पे कभी समाज की या अपने प्रशासन की या केंद्र की या दिल्ली सरकार की आंखें खुलेंगी? मेरा निवेदन है कि आपके माध्यम से ये चीज जरूर आगे आनी चाहिए कि अब हिंदुस्तान में भी पाकिस्तानी गलियां और शरेआम जहां पर बिल्कुल जैसे हत्याकांड से अंजाम दिया गया, वहां शरेआम दूसरी तीसरी गली में ये कहकर
ऑर्डर किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है अमेजोन पर और दिखाया जाता है, एड्रेस में लिखाया जाता है कि मतलब आज का ये नंबर या ऐसा नंबर, और इसके नीचे लिखा जाता है पाकिस्तानी गली। ये आपकी संज्ञान लीजिए इसका। देखिए ये बड़ा एक अजीब सा मजाक बनाया है दिल्ली सरकार ने कि इतने गंभीर अपराध के अंदर जिन अपराधियों को जेल के अंदर होना चाहिए था वो बाहर घूम रहे हैं खुलेआम। होता क्या है कि न्यायिक प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है कि उन अपराधियों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, पकड़ करके उनके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया। अब न्यायालय के अंदर पीड़ित का मुकदमा दिल्ली सरकार के वकील लड़ते हैं, तो दिल्ली सरकार के वकीलों की लापरवाही के कारण से गंभीर अपराध के अंदर भी अपराधियों को जमानतें मिल रही हैं और बाहर आकर के गवाहों को धमका रहे हैं, पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं, जिसके कारण से हम यहाँ आ रहे हैं कि इस षड्यंत्र को हमको एक्सपोज करना है। हमने हाई कोर्ट के अंदर भी एप्लीकेशन लगा दी है उनकी बेल रिजेक्ट करनी है। तो क्या दिल्ली सरकार को आप इसका दोषी मानते हैं क्योंकि वो शायद काम सही नहीं कर रही है? 100% दिल्ली सरकार दोषी है और अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली को जिहादी नगरी बनाने का जो काम दिल्ली सरकार कर रही है अपने वोट बैंक की सुरक्षा के लिए, तो उसके कारण से हिंदू समाज की सुरक्षा को गंभीर खतरे पैदा हो गए हैं, उसके लिए दिल्ली सरकार को हमने ये बोला है कि जिस प्रकार से यदि एक नाबालिग कार चलाता है तो आप कार जिसके नाम रजिस्टर्ड है उसको सजा देते हैं, इसी प्रकार से जो नाबालिग है उनका जो भी पीछे से समर्थन कर रहे हैं, जो उनको सिखा रहे हैं, उन्होंने कहाँ शस्त्रों का प्रशिक्षण लिया, कहाँ उनके अंदर ये जहर घोला गया, उनको पकड़ना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। हमने कहा है दिल्ली के अंदर पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए और दिल्ली के अंदर 6 इलाके ऐसे चिन्हित हो चुके हैं जहां लगातार ये जिहादी घटनाएं हो रही हैं, जिनमें एक दिल्ली का जहांगीरपुरी है, एक मंगोलपुरी है, एक संगम विहार है, एक जाफराबाद है, ऐसे जो इलाके हैं इन सब इलाकों पर स्थायी रूप से सुरक्षा बल अतिरिक्त रूप में दिल्ली पुलिस को सहायता के लिए मुहैया रहना चाहिए। अगले स्टेप क्या है आप लोगों का? अभी हमने हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट करने की एप्लीकेशन लगाई है, उसके बाद फिर हम इसके आगे इसमें आप दिल्ली पुलिस की भी लापरवाही नहीं है? दिल्ली पुलिस की लापरवाही नहीं है। देखिए पुलिस की एक कार्यप्रणाली है, पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना। आप किसी भी उसमें देखो दिल्ली पुलिस को, बल्कि मैं एक साधुवाद देना चाहता हूँ, वो किसी भी अपराध में मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। पूरी अगर भारतवर्ष में देखा जाए तो इतनी जल्दी कोई कार्रवाई नहीं हो रही जो दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन उनकी सारी कार्यवाही अदालतों में जाकर के निष्प्रभावी हो रही है क्योंकि वहां जो सरकारी वकील खड़े हैं वो उनको उस प्रकार से उनका साथ नहीं दे रहे। कानून में परिवर्तन होने की बहुत जरूरत है। जरूर मैम, आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके हथियारों की जो रेल मिल चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय एक आखिरी उम्मीद होती है और न्यायालय पे हम लोगों का क्या हर हिंदुस्तानी का बहुत भरोसा है और ये भरोसा इस तरह की चीजें से ना टूटे, इसका संज्ञान न्यायालय पे खुद लेना चाहिए और जब इनके हत्यारे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि उनका जो परिवार है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और जो बाकी लोग हैं एक नया रिंकू शर्मा अध्याय शुरू ना हो। ये मंगोलपुरी से एक ऑर्डर अमेजोन में किया गया जिसमें एड्रेस आपने देखा दिया हुआ नंबर काटा हुआ है, अभी उसमें उसके साथ आप देखिए इसमें लिखा हुआ है पाकिस्तानी गली, मंगोलपुरी पाकिस्तानी गली, यानी कि आप देखिए विधर्मियों के आप रिंकू शर्मा के परिवार के आसपास भी पाकिस्तानी गलियों के नाम से जुड़ गए हैं लोग। हम यही चाह रहे हैं कि
कानून को इससे जो भी है इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि पाकिस्तान जाति उसको नहीं है जो इस तरह की हिम्मत कर रहा है या इस तरह की वहाँ पे भड़काना चाह रहे हैं वहाँ की जो आप उनके लिए यही है कि उनके जो हत्यारे हैं उनको इतनी जल्दी अगर छोड़ा जाएगा तो उनका परिवार है जो इतनी संवेदनशील स्थिति में है अभी उनके अंदर एक डर का माहौल है तो हमें लगता है कि उसके संज्ञान लेते हुए उनको उचित कार्रवाई करनी चाहिए। उनके परिवार वाले बिल्कुल करेंगे। 10 लोगों ने एक बच्चे की हत्या की है। हर बार अगर इस तरह छोड़ दिया जाएगा तो हौसले बढ़ी रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं ज्योति भाई।